हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर वीडियो में हम रोटेन बॉर्न वायरल डिसीजेस और इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। सो रोटेन बॉर्न वायरल डिसीजेस हम पढ़ेंगे और इन्फेक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो रोडेंट्स है क्या स्टूडेंट्स? तो रोडेंट्स वेक्टर एंड रिजर्वायर दोनों की तरह ही एक्ट करते हैं एंड यूजुअली दे आर नॉन पैथोजेनिक इन रोडेंट्स। सो ये रोडेंट्स में नॉन पैथोजेनिक होते हैं। वायरसेस ऑफन स्पीशिएट विद द रोडेंट्स रिजर्वायर्स एंड द टू प्रिंसिपल ग्रुप्स आर देयर। तो प्रिंसिपल ग्रुप है इनके। सो फर्स्ट इज बोनी वेरिएटिव वायरसेस एंड द सेकंड इज एरिना वायरसेस। सो बोनिया वायरसेस में जो एग्जांपल है वो है हंता वायरसेस एंड एरिना वायरसेस के एग्जांपल हम ऐसे ही आगे देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं हंता वायरसेस से। हंता वायरसेस बिलोंग करते हैं बोनी वेरिएटिव फैमिली से एंड इनके जीनस हंता वायरस है। ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं एंड दे आर ट्राईपार्टाइट सेगमेंटेड जीनोम्स। सो दे हैव ट्राईपार्टाइट सेगमेंटेड जीनोम्स एंड द ट्राईपार्टाइट इंक्लूड SML। एस फॉर न्यूक्लियोकैप्सिड, एम स्टैंड फॉर GNGC ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एल स्टैंड फॉर RNA पॉलीमरेज़। सो SML ये इनके ट्राईपार्टाइट सेगमेंटेड जीनोम होते हैं एंड दे आर इनवेलप्ड वायरसेस एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल इज 70 नैनोमीटर। ओके, नाउ हंता वायरस ट्रांसमिशन साइकिल। सो देयर हंता वायरस ट्रांसमिशन साइकिल जो एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे एंड द हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन इंक्लूड्स ट्रांसमिशन थ्रू यूरिन, फीसेस, थ्रॉट स्वैब, ब्लड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे ये इन्फेक्शन जो है वो रैट से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है लाइक स्पिल ओवर फ्रॉम द एरोसोलाइज्ड एक्सक्रीटा। नाउ हंता वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम। सो फर्स्ट रिकग्नाइज्ड इन 1993 फोर कॉर्नर्स आउटब्रेक्स। सो हंता वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम जो है वो पहले फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज किया गया था 1993 में एंड स्पेसिफिक टू द अमेरिकाज एंड ये सिर्फ अमेरिकाज तक ही स्पेसिफिक थे। एक्यूट फिब्राइल इलनेस एसोसिएटेड विद हेडेक, मेलिस एंड मलेरिया। सो एक्चुअली इस के साथ जो एसोसिएटेड इलनेस थी वो थी एक्यूट फिब्राइल इलनेस, हेडेक, मेलिस एंड मलेरिया एंड प्रोग्रेशन टू ARDS within 4 to 6 days characterized by thrombocytopenia, pulmonary edema, dyspnea and hypoxia and 36% fatality rate due to the cardiovascular shock. So there were actually उस time 36% fatality rate थी cardiovascular shock से and the rapid dramatic clinical progression एंड काफ़ी ज़्यादा इसका ड्रामेटिक क्लिनिकल प्रोग्रेशन था एंड द वायरल टारगेट कैपिलरी। सो एक्चुअली वायरल टारगेट थे क्या? तो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स थे एंड सपोर्टिव केयर इंक्लूड्स एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECM एंड रिलीफ स्ट्रेस ऑन हार्ट। ओके, सो दीज आर सपोर्टिव केयर्स। नाउ हंता वायरस रोडेंट रिजर्वायर्स। सो हंता वायरस रोडेंट रिजर्वायर में है हंतान, सियोल, थाईलैंड, प्यूमाला एक्सेट्रा। नाउ द रोल ऑफ साइटोकाइंस इन पल्मोनरी हंता वायरस इन्फेक्शन। सो कौन कौन से साइटोकाइंस है जो कि रोल प्ले करते हैं पल्मोनरी हंता वायरस इन्फेक्शंस में? सो फर्स्ट इज इंटरल्यूकिन 1, सेकेंड इज इंटरल्यूकिन 2, थर्ड वन इज इंटरल्यूकिन 4, इंटरफेरॉन्स, देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड लिम्फोटॉक्सिन्स। सो दीज आर द साइटोकाइंस विच प्ले रोल इन पल्मोनरी हंता वायरस इन्फेक्शंस। नाउ प्रो इन्फ्लेमेटरी, नो डायरेक्ट वायरल साइटोपैथोलॉजी, साइटोकाइन मेडिएटेड इम्यूनोपैथोलॉजी। नाउ साइटोकाइंस इन HCPS आर इंटरल्यूकिन 1 बीटा, TNF, IL-2, देन IFN गामा। नाउ कल्चर्स फॉर साइटोकाइंस जीन एक्सप्रेशन। सो टी सेल्स APC एंड टी सेल्स APC वायरल एंटीजन एंड आफ्टर ये फॉर ईच रोडेंट, ये सारे रोडेंट के लिए हैं। आफ्टर 2 डेज एक्सट्रैक्ट RNA, कंपेयर जीन स्पेसिफिक cDNA लेवल्स बाय रियल टाइम PCR रेशियो। नाउ ह्यूमन वर्सेस रोडेंट्स की हम बात करें तो ह्यूमन्स में क्या होता है? वायरस इन लंग्स
एंड रोडेंट, अगर ह्यूमन होस्ट है तो वायरस जो है वो लंग्स में होते हैं. इफ़ रोडेंट होस्ट देन वायरस इन लंग्स ऑल्सो. नो वायरल सीपी इन रोडेंट्स, देयर इज ऑल्सो नो वायरल सीपी. देन ह्यूमन्स के केस में प्रोनाउंस्ड पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन होता है, जबकि रोडेंट के केस में कोई भी पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है. एंड ह्यूमन्स में सेल्स आर इन्फेक्टेड एंड इन रोडेंट्स ऑल्सो सेल्स आर इन्फेक्टेड. नाउ इन ह्यूमन्स कैपिलरी एंडोथेलियल एंड कैपिलरी एंडोथेलियल की बात करें रोडेंट्स में तो नो पल्मोनरी मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स. नाउ डेंड्राइटिक सेल्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट्स लाइक टी सेल्स मैक्रोफेजेस दे आर एक्टिवेटेड. नाउ साइटोकाइंस टीजीएफबी ट्रैग सेल्स सेल फिनोटाइप्स. नाउ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की बात करें तो रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज एंड 36% फैटल इन यूएस. एंड हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, इनमें कोई भी नो रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, रोडेंट्स में कोई भी रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी नहीं होती है, कोई भी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं होते, कोई भी डेथ नहीं होती है एंड क्रॉनिक कैरियर होते हैं. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये रोडेंट में नॉन पैथोजेनिक होते हैं, सो बेसिकली और यूजुअली दे आर नॉन पैथोजेनिक इन रोडेंट्स, बट इन ह्यूमन्स दे आर पैथोजेनिक. नाउ एरिना वायरसेस, सो द सेकेंड वन वॉज एरिना वायरसेस, फर्स्ट वन वॉज हंता वायरसेस एंड द सेकेंड वन इज एरिना वायरसेस. सो एरिना वायरसेस एरिना वेरिएटी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड सिंगल, दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड एम्बिसेंस आरएनए एंड 19 नैनोमीटर डायोमीटर. सो दे आर 19 नैनोमीटर इन डायोमीटर एंड दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड एम्बिसेंस आरएनए, टू जीन सेगमेंट्स. सो वहाँ पे हमने पढ़ा था वहाँ पे 3 जीनोम सेगमेंट्स थे, पर यहाँ पे 2 जीन सेगमेंट होते हैं, एस और एल. एस फॉर न्यूक्लियोकैप्सिड GP1 GP2 एंड एल फॉर आरएनए पॉलीमरेसिस. नाउ दे आर ऑल्सो इन्वेलप्ड वायरसेस लाइक हंता वायरसेस. नाउ लासा वायरसेस की बात करें तो फर्स्ट डायग्नोस्ड इन लेट 1960s. सो लासा वायरसेस को लेट 1960s में सबसे पहले डायग्नोस किया गया था एंड 2 मिशनरी नर्सेस लाइक लासा एंड नाइजीरिया, इन्होंने लासा एंड नाइजीरिया ने इसको डायग्नोस किया था. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड लासा वायरसेस. नाउ रिजर्वॉयर इन मास्टरमाइम स्पीशीज रोडेंट्स एंड एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो अबाउट 2 लाख केसेस पर ईयर होते हैं इसके, जिसमें से 5,000 फर्टेलिटी पर ईयर है इनकी रेट फर्टेलिटी की. सम एविडेंस ऑफ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन एंड यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के भी कुछ एविडेंसेस देखे गए हैं. नाउ इसमें लासा फीवर होता है. लासा फीवर क्या है, एक हेमरेजिक फीवर होता है एंड इसमें बॉडी एक्स, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग, कफ, फैटिक, ये सारे सिम्टम्स अपियर होते हैं. देन हाइपोटेंशन लाइक प्लूरल इफ्यूशन एंड हियरिंग लॉस इन सम सर्वाइवर्स, ऐसे कुछ सर्वाइवर्स में हियरिंग लॉस हो जाता है, उनकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है. एंड हायर फर्टेलिटी रेट इन प्रेगनेंट वुमेन, जो प्रेगनेंट वुमेन है उनमें इसकी फर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई होती है. सो फेटल डेथ इन 95% ऑफ इन्फेक्शंस. सो 95% ऑफ इन्फेक्शन में ये फेटल डेथ हो ही जाता है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.